पंजाब सदियों से संस्कृतियों को अपनी गोद में पालता पोसता आया है। पांच नदियों के वरदान से भरे पूरे इस राज्य में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो संस्कृति के अवशेष इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि ये धरती सभ्यताओं के विकास की क्रीड़ास्थली रही है। पंजाब के लुधियाना जिले का समरताला तहसील का समृद्ध गांव संघोल, जिसे उच्चा पिंड संघोल भी कहते हैं, यहाँ पर कुछ वर्ष पहले पुरातत्वविदों ने कड़ी मेहनत के बाद कुछ पाषाण प्रतिमाओं का उत्खनन कर एक नई सभ्यता विश्व के सामने प्रकाशित की है। संघोल में कुषाण प्रतिमाओं के उत्खनन की पुष्टि होने पर राष्ट्रीय संग्रहालय ने पंजाब सरकार को अपनी विशेषज्ञता और सेवाएं प्रदान की। 1968 से लेकर आज तक पंजाब का पुरातत्व विभाग इस स्थान पर उत्खनन कार्यों में लगा हुआ है। संघोल का अपना एक विशद इतिहास है। सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के लोगों ने इस स्थल को लगभग 2000 ईसा पूर्व में बसाया था। इसके पश्चात 1000 ईसा पूर्व के लगभग चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति यहीं पर विकसित हुई। इस साइट का जो जिक्र है, सबसे पहले वांचुआंग ने 7th सेंचुरी में जो यहाँ पर आया, उसने जिक्र किया है कि मैं जलंधर से कुलू तो गया, कुलू का मतलब कुल्लू, कुल्लू से फिर मैं पहाड़ियों पार करके एक बड़ा दरिया पार करके एक कंट्री में आते हैं जिसका नाम शेतुतुलो उसने लिखा है। शेतुतुलो से शतुद्रु बनता है, शतुद्रु कंट्री यानी सतलुज का कंट्री इसका नाम है। इसका कंट्री में और इस नगर में 10 मोनेस्ट्रीज हैं और इसके एक साइड में एक अशोक का बनाया हुआ स्तूप है और यहाँ पर ब्रदरन जो हैं थोड़े रह गए हैं और बहुत सी जो मोनेस्ट्रीज हैं उनकी हालत बिल्कुल डिसोलेट है, यानी वो गिर गए हैं और बुद्धिस्ट थोड़े रह गए हैं। तो ऐसा उसने जिक्र किया है। उसके बेस पर हमें दो तो मिल गई हैं। तो जिस नगर का उसने शेतुतुलो या शतुद्रु कंट्री का जिक्र किया है वो संघोल ही है। संघोल पहली और तीसरी शताब्दी के मध्य धर्म, कला और व्यापार के बड़े केंद्र के रूप में उभरा, जिस कारण बौद्ध अनुयायी भी अपने धार्मिक प्रचार के लिए इस क्षेत्र के प्रति आकर्षित हुए। यहां भवन के अवशेष इसकी संरचना के विभिन्न पक्षों को उजागर करते हैं। कई कक्ष और भवन संभवतः इंगित करते हैं कि स्तूप में कई व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था थी। हर कोना, हर भाग जीवन के एक व्यवस्था से जुड़कर चलने की कहानी कहता है। मल्लयुद्ध व आत्मरक्षा अभ्यास के लिए अखाड़े, जल व्यवस्था के लिए कुओं के चिन्ह इसकी और विशेषताएं समझाते हैं। मौसम और क्रूर मानव के अतिक्रमण से जूझता ये स्तूप आज बेहद जर्जर और मात्र मूल योजना रूप की ही सूचना दे पाता है। ये स्तूप 1968 में लोकेट किया गया, उस वक्त के मिस्टर आरएस बिष्ट यहाँ पर, उन्होंने यहाँ खुदाई शुरू की और बाद में ये कई साल इसको खोदते रहे। और ये स्तूप 2nd सेंचुरी AD का बनाया हुआ है, कुषाण काल का, क्योंकि यहाँ पर जो मूर्तियाँ मिली हैं वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को प्रदर्शित करती हैं
और यहाँ पर जो लिड कास्केट सेंटर में मिला है उस पर भी जो भाषा है वो यही बताती है कि ये सेकंड सेंचुरी की राइटिंग है, यानी उपासक अयभद्रस प्राकृत में उस पर लिखा हुआ है लिड के ऊपर, क्रोस्टी राइटिंग में जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, ये धर्मचक्र पैटर्न पे बना हुआ है, यानी इसके स्पोक्स हैं 12 स्पोक्स पहले, इसके बाद फिर सर्कुलर पाथ वो वाल है, इसके बाद 24 स्पोक्स हैं और आउटर में 36 स्पोक्स हैं, इसके बाद इसको थोड़ा स्क्वायर पैटर्न पर बना हुआ है। हड़प्पा काल से लेके अब तक के सारे पीरियड यहाँ पर मिलते हैं, हड़प्पा काल के बाद पेंटेड ग्रेवेयर, ब्लैक स्लिप और फिर हिस्टोरिकल पीरियड मौर्यन काल और ये सारा कुषाण काल के बाद गुप्त काल और सारे के सिक्के, सील्स, सीलिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं और बाद में मूर्तियाँ मिली और वो जो जगह जगह प्रदर्शित की गई और ये साइट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। प्राप्त हुए विहारों में से दूसरा बौद्ध विहार खंडहर यहाँ से कुछ ही दूरी पर लुधियाना चंडीगढ़ राजमार्ग के समीप ही स्थित है। भट्टी में तपी मजबूत ईंटों और गारे से बने विहार बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण चिन्ह धर्म चक्र की रीति पर यहाँ भी बनाए गए थे। ये खंडहर अपने निर्माण समय में आकर्षक मूर्ति शिल्पों से सुसज्जित थे। आज यहाँ उनकी आधारशिला के अवशेष ही बाकी हैं, जिनके आधार पर बौद्ध विहार की संकल्पना के बारे में अनुमान लगाए जा रहे हैं। इसके निर्माण में गांधार क्षेत्र के बुद्ध स्तूपों की एक सारता है। इन अवशेषों का संबंध हड़प्पन काल के पूर्वार्ध से भी बताया जाता है। पुरातत्व विभाग द्वारा निकाले इन खंडहरों को स्वतंत्रता के पश्चात प्राप्त हुए पुरातत्व महत्व के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण माना जाता है। इन खंडहरों ने समय और प्रकृति के कई क्रूर थपेड़ों को सहा है, फिर भी इसकी लौह पहचान मिट नहीं पाई है, जो समीप ही स्थित संग्रहालय में जनता के दर्शनार्थ उपलब्ध है। खुदाई के स्थान से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये संग्रहालय। ये वो स्थान है जहां पर खुदाई से मिली एक एक वस्तु को संजोकर रखा गया है। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए यह स्थान किसी धार्मिक स्थल से कम नहीं है। मिट्टी से दिखने वाली ये वस्तुएं अपने आप में हजारों साल पुराना इतिहास बताती हैं। इससे जुड़ा इतिहास जानने के लिए विशेषज्ञों ने कड़ी मेहनत की है। कुषाण काल के दौरान पहली से तीसरी ईसा पूर्व सदी में संघोल एक बड़ा सा कस्बा था, जिसकी धर्म और कला में प्रमुख भूमिका रही। खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों में कुषाण शासकों की
कई वस्तुएं जर्जर अवस्था में यहाँ प्राप्त हुई। स्तूप क्षेत्र और इसके समीप हुई छानबीन में बर्तन, टेराकोटा शिल्प, मूर्तियां, मोहरे, सिक्के व कई अन्य पुरातत्व महत्व की वस्तुएं भी यहाँ से मिली। पुरातत्व विभाग ने बड़े धैर्य के साथ इन वस्तुओं की हर चिंदी को बटोरकर उसके निर्माण की कल्पना कर आपस में जोड़कर एक रूप दिया है जो यहाँ इस संग्रहालय में देखे जा सकते हैं। मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा शिल्प और रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों का बड़े वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया गया ताकि उस समय की जीवन शैली और कलात्मक संदर्भों को आसानी से प्रमाणिक बनाकर समझा जा सके। दूर दूर से बौद्ध विहारों के अध्ययन में रत विद्यार्थी और शोधकर्ता इस संग्रहालय में आकर संघोल में स्तूपों के आसपास से मिली वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। संग्रहालय आज भी निरंतर खोज की प्रक्रिया में लगा हुआ है। कुषाण काल में शासकों की प्रशासन व्यवस्था बड़ी वैज्ञानिक थी। व्यवस्था में आधुनिक समय की तरह राजाओं और उनके अधिकारियों की व्यक्तिगत आधिकारिक मोहरें हुआ करती थीं, जो इस संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। कुषाण राजाओं के विभिन्न प्रकार के सिक्के, मुद्राएं तथा मुद्राओं के ठप्पे इस स्थान से बहुतायत प्राप्त हुए हैं। इस पर खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपियों में अभिलेख उद्धृत हैं। इस बात के साक्षी हैं कि कुषाण युग का संघोल एक बहुत ही समृद्ध नगर था। कुषाण शासकों के शासनकाल के दौरान सभ्यता का भरपूर विकास हुआ। धातु ढलाई का काम उस काल में उन्नत था। ये बात सिक्कों ही नहीं आभूषणों की ढलाई में भी साफ जाहिर होती है। सौम्य कारीगरी के साथ तैयार ये आभूषण उस काल की महिलाओं की परिष्कृत पसंद की तरफ इशारा करते हैं। संग्रहालय के ऊपरी भाग में इन बौद्ध विहारों से प्राप्त मूर्तियों का विशाल संकलन संग्रहित है।
लगभग 2000 वर्ष प्राचीन ये दुर्लभ प्रतिमाएं सौंदर्य और संवेदनशीलता की दृष्टि से अद्वितीय हैं। स्तूप के वैदिका स्तंभों से कई मूर्तियां मिली हैं। स्तंभों से प्राप्त प्रतिमाओं की संख्या 69 है। इन पर एक से एक सुंदर रमणियों के चित्र उकेरे हुए हैं। इन्हें भारतीय साहित्य में शाल भज्जिका, पक्षी आदि नामों से जाना जाता है। प्रारंभिक भारतीय कला में इनका इतिहास बड़ा ही रोचक है। प्रतिमाएं समकालीन नागरिक जीवन का दर्पण है। इन्हें मनोरंजन के साधनों में रत दिखाया गया है। शाल भज्जिकाओं के ये रूप और कार्यकलाप संस्कृत साहित्य में भी प्रचुर मात्रा में वर्णित हैं। ऐन्द्रिय सौंदर्य से परिपूर्ण रमणियों की ये प्रतिमाएं अन्य सभी समकालीन प्रतिमाओं से बढ़ चढ़ कर हैं। संघोल में कुषाण प्रतिमाओं की ये नवीनतम खोज इस दृष्टि से भी ऐतिहासिक है कि पहली बार इतनी अधिक संख्या में मथुरा कला की प्रतिमाएं मथुरा क्षेत्र से बाहर मिली हैं। ये भी उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकांश प्रतिमाएं बिल्कुल ठीक हालत में हैं, जबकि देश के अन्य भागों में पाई गई अनेक प्रतिमाओं को ऐसी स्थिति नहीं मिली है। मथुरा शैली में उत्कीर्ण 117 अद्वितीय कलाकृतियों की इस खोज ने एक युग विशेष का अधिक ज्ञान कराया है, क्योंकि ये कुषाण कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन को परिलक्षित करती हैं। उन अज्ञात विचित्र शिल्पियों ने मासल सौंदर्य के आकर्षण को प्रेम और भावनाओं के मृदुल धागों में पिरोकर चित्तेदार बलुआ पत्थरों की कोमल परतों में तराशकर चिरस्थायी कर दिया है। युवा शरीर का लालित्य और लावण्य इन प्रतिमाओं की विशेषता है। इन दैविक कन्याओं की भौतिक मुस्कान मंत्रमुग्ध कर देती है। इन प्रतिमाओं के परीक्षण से ज्ञात होता है कि ये कृतियां वस्तुतः एक वेदिका अथवा रेलिंग का अंग थीं, जो कि निसंदेह निकटवर्ती स्तूप के चारों ओर एक सुंदर घेरे के रूप में विद्यमान रही होंगी। इन सभी मूर्तियों को बड़े ही यत्न से एक के ऊपर एक करके चार तहों में जमा कर रखा गया था तथा ऊपर से मिट्टी से ढक दिया गया था। भारतीय कला की ये उत्कृष्ट प्रतिमाएं 15 शताब्दियों तक धरती के गर्भ में दबी रहीं, किंतु पुरातत्ववेत्ताओं के अथक प्रयास से ये प्रकाश में आई। संघोल कुषाण शासकों से आधुनिक काल तक लगातार इतिहास को कभी अपने गर्भ में तो आज संग्रहालय में पालता पोसता आ रहा है, जो इतिहास की प्राचीनतम सभ्यता की खोज पर एक विजय अभियान की दास्तान कहता है, जिसे अनसुना नहीं किया जा सकता।